बस 11 बज चुके हैं रात के एंड मैं मेरा बेड क्लीन कर रही हूँ। ये थोड़ा सा फैला हुआ है, मतलब मेरा सामान तो यूज था ही नहीं इस पर। और दीदी के स्कूल का सामान है, वो दीदी अपने आप हटाइए क्योंकि मुझे पता नहीं दीदी कहाँ रखती है। तो फ्रेंड्स बस मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। ये मैंने हेयर कट करवाया था रात को, ऐसे हो जाता है ये बस। BTS आर्मी तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस पर सारे 7 मेंबर्स का साइन है एंड इस पर सबकी फ़ोटो भी है। तो मतलब सारे मेंबर्स अच्छा गाते हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो जिमिन है उनका अच्छा लगता है क्योंकि आवाज़ मुझे बहुत डिफरेंट लगती है। एनीवेज गाइस, ये व्लॉग जो है मेरा है नॉर्मल डे इन माय लाइफ टाइप कह सकते हूँ, जो कि मैं रात से शुरू करी क्योंकि मुझे व्लॉग्स को रात से शुरू करना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस ऑन 23 नवंबर जिस दिन रात को हमारे छत पर पहुँच पाया था, उस दिन मेरे जिंगल मेकिंग का रिजल्ट आया, मतलब एक कॉम्पिटिशन था जिसमें मैंने पार्ट लिया था एंड मैं फर्स्ट थी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो बस फ्रेंड्स चलिए मैं भी अब सो जाती हूँ और बेड भी थोड़ा सा बच्चों क्लीन कर लूँ, आपको मिलती हूँ सुबह। तो गाइस बस मैं उठ चुकी हूँ एंड अभी 8:45 हो रहा है और मैं भी सॉक्स पहन रही हूँ। बस अभी मेरी है साइंस की एंड आज बहुत सारी क्लासेस कैंसिल हुई है और उसकी जगह पता नहीं कौन सी कौन सी क्लासेस हैं। तो गाइस बस अब है मेरा स्किन केयर टाइम, तो मैंने लगा लिया है एंड अब बस मैं फेस वॉश करूँगी जल्दी से एंड फिर एलोवेरा जेल लगाना है। एंड गाइस फेस वॉश से पहले हमने एक फेस सीरम मंगाया, ट्राई करते हैं कि कैसा है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मुझे ये स्किन की केयर करना एंड मेकअप करना बहुत पसंद है, मतलब एक जगह मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन अच्छी रहे, ग्लो करे, और एक तरफ मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। तो बस गाइस अब मैं ये सीरम लगा के देखती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। ओके, तो हमें इसको जो है अच्छे से लगाना है एंड 10 मिनट से ज़्यादा रखना है और फिर ल्यूक वॉर्म वाटर से जो है धोना है क्लिनजर के साथ या फिर फेस वॉश। हाँ, और जो हमें ड्राई पैट पैट करना है। फॉलो इट अप विद मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ड्यूरिंग द डे। हम तो रात को यूज़ कर रहे हैं। यूज़ नो मोर देन ट्वाइस अ वीक। ओके, एक वीक में दो बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मैं तो आज ही शुरू कर रही हूँ, एक्चुअली हमने पहले भी शुरू किया था लेकिन फिर हम उसको कंटिन्यू कर पाए, तो आज से मैं वापस शुरू कर रही हूँ। एंड आज मंडे नहीं, आज ट्यूसडे। हाँ, कोई नहीं, तब जैसे आज मैंने ट्यूसडे को किया है, अब मैं थर्सडे को करूँगी। तो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे आई विल ट्राई। सो चलिए मैं इसको ट्राई करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कैसा था। तो गाइस बस अभी शाम हो रही है एंड 6 बज रहे हैं। देखो मुझे लाइट ऑन करने दो। हाँ, तो बस मैं अभी ऊपर आई हूँ मम्मी पापा के रूम में क्योंकि मेरा पूरा सेटअप वहीं पे है एंड बस थोड़ा सा काम है इसको। गाइस ये जगह आप पहचान नहीं सकते हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं। Thank you.
अपने ध्यान से। तो गाइस मैं फेस सीरम पहली बार यूज कर रही हूँ, मतलब मैंने कभी फेस सीरम नहीं लगाया अपनी स्किन पे, बट मैं सोचा ट्राई करके देखती हूँ कैसा है। अच्छा होगा तो कंटिन्यू या फिर बंद कर रही हैं। लेकिन गाइस मैंने एक्चुअली क्या किया है, जो मेरा विंटर वाला रूटीन था ना, मैं वही फॉलो करती हूँ मेरी। तो उससे क्या है, मेरे यहाँ पे एक्ने हो गया था एंड उससे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ना। तो अब इसमें 10 मिनट से ज़्यादा रखना है, मैं इसको 20 मिनट या 15 मिनट इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी, 15-20 मिनट तक इसको रखते हैं एंड फिर फेस वॉश करूँ मैं। तब तक हम अपने बाल सुझा लेते हैं, मैं ये उठा लेती हूँ। तो गाइस एक्चुअली मुझे मेरे गोदे पे जो आई शेडो पैलेट मिला है वो मुझे कब से चाहिए था, तो अब मेकअप ट्यूटोरियल्स जल्दी शुरू होंगे। अच्छे से मतलब जब भी मैंने हेयर स्टाइल करवाया है बुरा नहीं आया है, लेकिन सुबह जब उठती तो मेरी जो फ्लिक्स होती है वो ऐसे खड़ी हो गया लगता है जैसे मैंने जो हेयर जेल लगाया है। तो गाइस हेयर कट से पहले भी मुझे कम से कम 10-20 मिनट लगते थे और अभी भी मुझे उतने ही लगते हैं, बस 5 मिनट कम हुए थे, मतलब 15 मिनट। हाँ एंड गाइस जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर ऑफकोर्स शॉर्ट्स आते हैं एंड उसको छोड़ाने डांस भी है, भजन भी है, तो उसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इस बार डालूंगी। मैंने एक्चुअली आपको शायद पिछले ब्लॉग में बोला था एंड मैं एक्चुअली डालने भूल गई, वो इस बार डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी अच्छे से एक पोनीटेल बना लेती हूँ करके एंड फिर मैं आपको बोलूँगी। गाइस बस मैंने फेस वॉश कर लिया देखिए एंड मैंने लिप बाम लगा लिया, सब हो गया है एंड देखते हैं अभी थर्सडे को भी ट्राई करती हूँ मैं, फिर आपको वो रिजल्ट बताऊँगी कि एक हफ्ते में क्या डिफरेंस आया। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।